हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजपनी क्लासेस पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है भारत की मिट्टी। ओके दोस्तों, आज हम सीखेंगे भारत की मिट्टी। तो अगर आपको भारत की मिट्टी सीखना है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ भारत की मिट्टी। तो आज हम यही सीखेंगे। तो भारत की मिट्टी आज मैं बताऊंगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए हैं। RRB SSC BBSC में भी पूछे गए हैं। ओके दोस्तों, UPSC में भी पूछे गए। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं भारत की मिट्टी से, एक या दो क्वेश्चन आती है हर एग्जाम में। तो आज हम यही देखेंगे, तो चलिए सीखते हैं। ओके दोस्तों, तो भारत की मिट्टी आज हम सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पर देख लीजिए मैप बनाया भारत का, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है बहुत सारे स्टेट्स के नाम। तो यहाँ पर स्टेट कुछ ही स्टेट के नाम लिखा, मैंने पूरे का नहीं बनाया है, क्योंकि जहां जहां सिर्फ मिट्टी पाए गए हैं वहीं के यहाँ पर मैंने बना दिया है, नाम लिख दिया, स्टेट भी बना दिया। तो चलिए देखते हैं। तो मैं आपको दर्शा के बताऊंगा। तो चलिए, तो मैं बता दूं, आठ मिट्टी ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है जो भारत में पाए गए। आठ ही सिर्फ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। क्वेश्चन है कि कितने सारे मिट्टियां पाई गई भारत में। तो आठ मिट्टी। ओके दोस्तों, आठ मिट्टी। तो आज हम वही आठों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चलिए, तो क्या है भारत की मिट्टी, तो यहाँ पर बना दिया हूं, अब आपको दर्शा के बताऊंगा। तो पहला कौन सा मिट्टी है दोस्तों। तो पहला है जलोढ़ मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी भारत में कहाँ कहाँ है, कौन से स्टेट में है जलोढ़ मिट्टी कौन से स्टेट में है दोस्तों। तो देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी देखिए, महाराष्ट्र एक है, महाराष्ट्र ये देखिए, यहाँ पर ये महाराष्ट्र हो गया। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी। ओके दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, मिट्टी में लिख देता हूँ, जलोढ़ मिट्टी या मृदा भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। तो इसे दर्शाते हैं, तो मैं पहले यहाँ पर ले लेता हूँ कलर। तो देखिए, अब इसे दर्शाते हैं। तो ये महाराष्ट्र में जलोढ़ मिट्टी, तो ये मैं दर्शा रहा हूँ दोस्तों, देख लीजिए। तो इसे कौन से कलर से दर्शाना है, देखिए, ये मैं आपको दर्शा के बता रहा हूँ। तो ये मैं कटिंग का निशान दे रहा हूँ। ओके दोस्तों, कटिंग का निशान, तो ये दर्शा रहा हूँ। ओके चलिए, तो ये मैं दर्शा रहा हूँ। तो ऐसा मैं कटिंग का निशान दूंगा, तो आपको जहां जहां ऐसा दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि वहां क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। तो इसे आप लिख लीजिए जलोढ़ मिट्टी। ओके दोस्तों, और ऐसा बना लीजिए। चलिए, तो दर्शाते हैं पहले इसे पूरे में मैं बना देता हूँ। ओके दोस्तों, जहां ये कटिंग का निशान देना है, तो ये कटिंग का निशान यानी क्या हुआ, ये हो गया जलोढ़ मिट्टी। चलिए, तो ये कटिंग का निशान दे दिए। ओके चलिए, तो ये हो गया, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी, महाराष्ट्र। ओके महाराष्ट्र, तो ये जलोढ़ मिट्टी, पूरे महाराष्ट्र में ये जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। और इसमें महाराष्ट्र में और बहुत सारे मिट्टी भी पाए जाते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, मैं आपको बता दूंगा। तो अब चलिए, जलोढ़ मिट्टी इसका और कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, जलोढ़ मिट्टी और कौन से स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, देखिए, एक पाया जाता है गुजरात में, ये है गुजरात। तो गुजरात में भी देखिए, यहाँ पर महाराष्ट्र में बहुत सारे मिट्टी भी हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसे इधर से हल्का सा इधर मिटा देता हूँ, तो आपको पता चलेगा, मैं बाद में बताऊंगा, तो इधर बताने की काम आएगी। तो मैं इतना ही रखता हूँ इधर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ओके दोस्तों, तो देखिए, अब इधर गुजरात में भी क्या है, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो गुजरात में भी जलोढ़ मिट्टी बना देते हैं, मैं कटिंग का निशान दे देता हूँ। चलिए, ओके, तो ये दर्शा रहा हूँ, चलिए ये दर्शा रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो ये मैं दे रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ। चलिए, तो ये हो गया, क्या हो गया, ये भी हो गया
ये भी हो गया जलोढ़ मिट्टी, तो कटिंग का निशान इतने में ही देते हैं, क्योंकि गुजरात में और भी बहुत सारे मिट्टियां हैं, तो वो भी हम बताएंगे इस साइड। तो ये इतना हुआ, तो ये क्या हुआ, ये हुआ जलोढ़ मिट्टी, ये आपको कटिंग का निशान, जहां जहां मैं कटिंग का निशान दूंगा हरे कलर से, तो वो क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी होगा, जलोढ़ मिट्टी। तो ये एक महाराष्ट्र और एक गुजरात, तो अब क्या है, अब देखते हैं दोस्तों। तो अब क्या है, एक और बचा है, एक और स्टेट है, तो उसमें भी पाए जाते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो वह कौन सा स्टेट है, देखिए वह कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश। क्या है ये मध्य प्रदेश, आपको दिख रहा है ये मध्य प्रदेश कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये देखिए ये मध्य प्रदेश है, ये इतना हिस्सा, तो इसी में क्या है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है, तो कटिंग का निशान देते हैं दोस्तों। ये आपको दिख रहा है, कटिंग का निशान दे रहा हूं, चलिए ये दे रहा हूं, ओके। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर दर्शा रहा हूँ ये मिट्टी, ओके दोस्तों। तो चलिए दर्शा देते हैं, चलिए। तो ये मैंने कुछ हिस्सों में दर्शा दिया, क्योंकि आज और भी बहुत सारे महाराष्ट्र, यहाँ सॉरी, और भी बहुत सारे मध्य प्रदेश में मिट्टियां हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। तो ये तीन, ये पहला हो गया महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात और तीसरा मध्य प्रदेश। ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रदेश है, तो कहेगा कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी कौन कौन से राज्य में पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, ओके दोस्तों। तो ये है कटिंग का निशान, तो मैंने यहाँ पर दे दिया है, ये क्या हो गया, जलोढ़ मिट्टी। और ये कितने क्षेत्रफल में है, कितनी क्षेत्रफल में है ये जलोढ़ मिट्टी, तो ये है 43.40 किलोमीटर। इस क्षेत्रफल, इसका देख लीजिए, इसका क्षेत्रफल 43.40 किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है जलोढ़ मिट्टी, ओके। तो इसका इतना हो गया, ये था जलोढ़ मिट्टी। अब चलिए अगला मिट्टी देखते हैं, तो ये था जलोढ़ मिट्टी, ओके दोस्तों। अब देखते हैं काली मिट्टी, क्या देखेंगे, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी कहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर कलर लेता हूँ, कलर ले लेता हूँ पहले, देख लीजिए, ओके। तो काली मिट्टी है कहाँ, ये काली मिट्टी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो काली मिट्टी कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। तो काली मिट्टी को हम कैसे करेंगे, सर्किल का निशान दे देते हैं, चलिए ये सर्किल का निशान दे रहा हूं, तो आपको समझ में आया कि काली मिट्टी भी इसमें पाई जाती है, कहाँ, तो मध्य प्रदेश, ओके दोस्तों। ये सर्किल से दे रहा हूं, सर्किल कलर, तो यहाँ पर ब्लैक से दे रहा हूं, ये क्या हो गया, काली मिट्टी, तो दर्शा देते हैं इसे, चलिए इसे दर्शाते हैं, ओके। हाँ दोस्तों इसे दर्शा देते हैं, चलिए। तो ये मैं दर्शा रहा हूं, तो ये कौन सी मिट्टी हो गई, पहले इधर दर्शा लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा। तो चलिए, तो ये कौन सी मिट्टी हो गई, ये आपको दिख रही है, ये कौन सी मिट्टी हो गई दोस्तों। और इसमें बहुत सारे और भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में मिट्टियां हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो ये कौन सी मिट्टी हो गई, ये हो गई मध्य प्रदेश, यहाँ पर नीचे लिखता हूँ काली मिट्टी, क्या लिखता हूँ, काली मृदा, काली मृदा, ओके। तो मृदा लिख देता हूँ, मिट्टी, मिट्टी या मृदा दोनों कर सकते हैं, ये हो गया काली मृदा, ओके। चलिए, तो ये काली मिट्टी हो गया, ओके। तो ये काली मिट्टी का ऐसा कुछ मैंने यहाँ पर दर्शा दिया है। तो काली मिट्टी कहाँ पर, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और बहुत सारी राज्य हैं, तो देखेंगे काली मिट्टी और कहाँ कहाँ पाई जाती है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, तो एक हो गया गुजरात, क्या हो गया, ये हो गया गुजरात, तो गुजरात में भी पाई जाती है, तो गुजरात में भी बना देते हैं, लीजिए। चलिए ऐसा मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, दर्शा रहा हूँ कि आपको समझ में आए, ओके। चलिए दर्शा लेते हैं, लीजिए दर्शा देते हैं, चलिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर दर्शा रहा हूँ, चलिए। तो यह कौन सी मिट्टी हो गई दोस्तों, यह कौन सी मिट्टी हो गई, तो ये हो गई, कौन सी मिट्टी हो गई, ये हो गई काली मृदा, काली मिट्टी, ये हो गई काली मृदा। तो यहां पर मैंने दो
दो यहाँ पर क्या होता है, एक मध्य प्रदेश और गुजरात और बहुत सारे और ऐसे राज्य हैं जिसमें ये काली मिट्टी पाई जाती है। ये मैंने यहाँ पर दर्शा दिया, तो काली मिट्टी पाई जाती है। एक है क्या है, वो है एक क्या है दोस्तों, राजस्थान है। क्या है, राजस्थान। तो राजस्थान में भी दर्शाएंगे हम, चलिए दर्शा देते हैं जल्दी जल्दी से। ओके दोस्तों, तो ये दर्शा रहा हूँ। तो ये कहाँ पाई जाती है, ये यहाँ पर भी पाई जाती है। कहाँ पर, तो ये यहाँ पर भी राजस्थान में पाई जाती है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं। ओके, इतना में मैंने कर दिया है क्योंकि राजस्थान में और बहुत सारी भी मिट्टी है। तो ये हो गया, ये आप इसका संकेत याद रखिए, ये आपको काले जैसे डॉट डॉट दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया राजस्थान। तो राजस्थान में भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और राजस्थान हो गया। अब चलिए और देखते हैं, और ये काली मिट्टी बहुत सारे है। तो देखिए, एक है ये तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में भी काली मिट्टी पाई जाती है, दर्शा देते हैं। चलिए, ये तमिलनाडु हो गया, तो तमिलनाडु में भी पाई जाती है। ओके दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर कुछ दर्शाया, तो और इसमें बहुत सारी मिट्टी है, तो वो भी देखेंगे। क्या है, ये काली मिट्टी तमिलनाडु में भी पाई जाती है, और एक जगह है और एक राज्य है उसमें पाई जाती है। तो देखते हैं, वो देखते हैं दोस्तों, वो है क्या, वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है। ओके, क्या है, आंध्र प्रदेश। तो मैं यहाँ पर कुछ में दर्शा रहा, इधर कुछ हिस्सों में दर्शा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। और बहुत सारे इसमें और बहुत सारे मिट्टी है, तो वो मैं दर्शाऊंगा। देखिए, काली मृदा आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। तो ये दिख रहा है काली मृदा। काली मृदा कितने क्षेत्रफल में फैली हुई, काली मृदा कितने क्षेत्रफल में फैली हुई, तो वो फैली हुई है 15.20 किलोमीटर। क्षेत्रफल में फैली हुई है 15.20 किलोमीटर ये काली मृदा फैली हुई है। ओके दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया और बता दिया। चलिए, ओके, तो ये दर्शाया। अब क्या है, अब अगला मिट्टी देखते हैं। अगला मिट्टी है लाल मिट्टी। अगला मिट्टी है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी को हम देखेंगे, तो लाल मिट्टी पहला देखते हैं, पहला कहाँ है। तो पहला हो जाएगा लाल मिट्टी, तो पहला है तमिलनाडु में। तो लाल, मैं लाल कलर ले लेता हूँ, चलिए ले लेते हैं। तो ये दिख रहा है आपको, ये तमिलनाडु में भी दर्शा देते हैं लाल मिट्टी। देख लीजिए, मैं इसका कुछ दे देता हूँ, इसका कोई संकेत दे देता हूँ। तो इसका संकेत ले लीजिए, देखिए इसका ऐसा संकेत है, ये स्टार जैसा संकेत है। क्या है, ये स्टार जैसा संकेत है। ओके दोस्तों, तो ये दिख रहा है आपको। चलिए, ऐसा ऐसा मैं संकेत कुछ जगह दे देता हूँ। चलिए, तो ये हो गया क्या, ये आपको स्टार जैसा दिख रहा है। ओके, तो ये हो गया क्या दोस्तों, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया लाल मृदा, लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी लिखते हैं, मैं इधर यहां पर देखिए, मैं इधर लाल मिट्टी लेके लिख रहा हूं। तो ये लिखता हूं लाल मृदा। ओके दोस्तों, लाल मृदा लिख रहा हूं। चलिए, मृदा, तो लाल मृदा हो गया। तो ये क्या हुआ, लाल मृदा हुआ। तो लाल मृदा कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में और बहुत सारे जगह में पाई जाती है, तो वो मैं भी बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर पाई जाती है ये लाल मृदा, कुछ इसका स्टार जैसा है, तो वो और देखते हैं मैं लाल मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, एक है कहाँ पर है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र जानते ही है महाराष्ट्र। तो देखिए, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। तो इस स्टार जैसा इसमें कुछ आइकन दे देते हैं। ओके, चलिए दर्शा देता हूं दोस्तों। तो ये हो गया। ओके दोस्तों, तो यहां पर कहां पर दर्शा रहे हैं, तो हम यहां पर दर्शा रहे हैं। चलिए, ये आपको दिख रहा है, तो ये रेड कलर का, तो ये रेड से आप समझ जाइए रेड कलर का है ये। ओके, तो ये क्या है, ये है क्या दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर कुछ ही हिस्सों में दिया है रेड कलर से। ये महाराष्ट्र में भी लाल मृदा पाई जाती। कहाँ पाई जाती, महाराष्ट्र में भी लाल मृदा पाई जाती। तो और देखते हैं, और लाल मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है दोस्तों। तो देखते हैं, ये आंध्र प्रदेश दिख रहा है, तो आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है, तो इसमें भी दर्शा लेते हैं। देखिए,
इसमें भी मैं कुछ उसी तरह का आइकन देता हूँ स्टार का, रेड कलर से दे रहा हूँ दोस्तों। तो ये लाल मिर्दा है, समझ जाइए, लाल कलर का। तो मैं यहाँ पर कुछ ही हिस्सों में देता हूँ क्योंकि और है इसमें। चलिए तो दे रहा हूँ इधर। ओके दोस्तों, तो देखते हैं। चलिए तो क्या हो गया, ये दिख रहा है आपको। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा लाल, क्या हो जाएगा, ये लाल मिर्दा हो गया। तो मैं यहाँ पर कुछ ही हिस्सों में दे रहा हूँ क्योंकि और है इसमें, तो वो हम देखेंगे है कि नहीं। चलिए तो ये दिख रहा है आपको। ओके तो ये क्या है, ये है लाल मिर्दा। क्या है, ये है लाल मिर्दा। तो अब देखेंगे और जगह पर लाल मिर्दा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लाल मिर्दा, और बहुत सारी जगह में पाए जाते हैं। तो एक है उड़ीसा, ये आपको उड़ीसा दिख रहा है, तो उड़ीसा में भी है, तो यहाँ पर भी दर्शाते हैं। चलिए ये देखिए, ये रेड कलर का स्टार जैसा मैं दे रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो ये देख लीजिए, ये मैं दे रहा हूँ कुछ ऐसा। ओके दोस्तों, तो ये देखिए। चलिए तो मैं यहाँ पर दर्शा देता हूँ रेड 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 कलर का। तो देखिए ये मैं दर्शा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया। इधर जरा अच्छा से कर देता हूँ, इधर आपको दिखाई भी दे। तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया। ओके तो ये क्या हो गया, ये हो गया लाल मिर्दा। चलिए तो ये हो गया लाल मिर्दा, यानी लाल मिट्टी हो गई। तो बना लेते हैं कुछ। देखिए ये हो गया लाल मिर्दा, क्या हो गया, ये लाल मिर्दा हो गया। तो यहाँ पर मैं बता दूं, और कुछ राज्य में पाए जाते हैं ये लाल मिर्दा, तो हम देखेंगे तो कहाँ पाए जाते हैं, चलिए देखते हैं। तो एक क्या है, कर्नाटक। क्या दिख रहा है आपको, कर्नाटक दिख रहा है। तो कर्नाटक में भी है, कर्नाटक में भी कुछ ऐसी तरह का देंगे आइकन, तो आपको समझ में आएगा। ये दिख रहा है स्टार जैसा देते हैं, तो चलिए तो दे देते हैं। ओके दोस्तों, ये स्टार जैसा रेड कलर का दिखाई दे रहा है आपको। चलिए तो ये क्या है, ये हो गया लाल मिर्दा। क्या हो गया, ये लाल मिर्दा हो गया। तो मैं कुछ हिस्सों में यहाँ पर दे देता हूँ लाल मिर्दा का। मैं यहाँ पर स्टार जैसा इसका आइकन बना देता हूँ। ओके तो ये हो गया, क्या ये हो गया लाल मिर्दा। ओके दोस्तों, तो ये हो गया लाल मिर्दा। चलिए तो ये हो गया लाल मिर्दा, क्या हो गया, ये हो गया लाल मिर्दा। मैंने कुछ हिस्सों में कर्नाटक में भी दी है लाल मिर्दा। तो और ये हो गया क्या, लाल मिर्दा हो गया। तो अब इसका कुल क्षेत्रफल देखते हैं। इसका क्षेत्रफल है 18.60 किलोमीटर क्षेत्रफल। इसका कुल क्षेत्रफल एरिया जितना 18.60 किलोमीटर है। तो ये मैंने बता दिया, ये क्या है, क्या था, लाल मिर्दा था। ओके दोस्तों, ये था लाल मिर्दा। तो मैंने यहाँ पर कहाँ कहाँ बताए देख लीजिए, ये कहाँ कहाँ बताए, ये आंध्र प्रदेश में बताए, और कहाँ बताया देखिए, ये तमिलनाडु में बताए, और उड़ीसा में भी बताए, और कहाँ पर बताए, कर्नाटक में, ये महाराष्ट्र में भी बताए। तो एक और जगह है, क्या है, वो झारखंड है। तो झारखंड में भी पाई जाती है ये लाल मिर्दा। तो इसमें भी लगा दे बना देता हूँ लाल मिर्दा। चलिए स्टार का आइकन जैसा दे देता हूँ। ओके दोस्तों, तो ये दिख रहा है आपको। चलिए तो ये हो गया, अब देखते हैं लाल मिर्दा। तो ये हो गया लाल मिर्दा, तो ये हो गया लाल मिर्दा। क्या हो गया, ये हो गया लाल मिर्दा। तो लाल मिर्दा मैंने यहाँ पर कुछ जगह दर्शाए, और होगा कि नहीं होगा देखते हैं। तो ये था लाल मिर्दा, क्या था, लाल मिर्दा था। तो मैंने यहाँ पर इतने में लाल मिर्दा दर्शाए, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, और कहाँ पर, और झारखंड में भी क्या किए मैंने, दर्शाए। तो अब क्या है, अब देखते हैं अगला। तो अगला कौन सा है, मिट्टी है, वो है देख लीजिए, वो क्या है, तो वो है लेटराइट मिट्टी। क्या है, लेटराइट मिट्टी। ओके दोस्तों, लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी मिर्दा लिख देता हूँ, मिर्दा, चलिए मिर्दा ही लिख देते हैं, लेटराइट मिर्दा। तो लेटराइट मिर्दा, अब देखने वाली बात है कि लेटराइट मिर्दा है कहाँ, ये पूरे भारत में लेटराइट मिर्दा है कहाँ। तो मेघालय के पठार, मेघालय के पठार पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। क्या, लेटराइट मिट्टी, मेघालय के पठार पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है लेटराइट मिर्दा। लेटराइट मिर्दा पाई जाती है। तो ये कौन से राज्य में पाई जाती है, तो आपको केरला, केरला दिख रहा है, ये केरला यहाँ पर है, केरला। तो ये
केरला में पाई जाती है, तो इसका हम कुछ कलर में ले लेते हैं। तो देखिए मैं कलर में लेता हूँ, चलिए ये मैं ले लेता हूँ पर्पल कलर। तो देख लीजिए पर्पल कलर ले लिए, अब क्या है अब इससे दर्शाते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लिया मार्कर, अब क्या है दर्शाते हैं। तो देखिए दर्शा रहा हूँ यहाँ पर, तो देख लीजिए। तो मैं इसका कुछ आइकन देता हूँ, तो कैसा दूं, तो चलिए दे देते हैं। देखिए ये क्या दे रहा हूँ, ये मैं दर्शा रहा हूँ, तो ये मैं कैसा दे रहा हूँ, तो ये दे रहा है ट्रायंगल का आइकन दे रहा हूँ। चलिए तो ये हो गया ट्रायंगल जैसा दे रहा हूँ, देख लीजिए ये ट्रायंगल जैसा दे रहा हूँ। तो ये मैं कुछ हिस्सों में दर्शा देता हूँ, और होगा कि नहीं ऐसे में देखते हैं। चलिए तो ये दर्शा दिया, चलिए देखते हैं। तो ये पर्पल मैंने पर्पल मार्कर से दे दिया, तो देख लीजिए ये कुछ हिस्सों में मैंने बनाया। तो ये कौन सी मृदा है, लेटराइट मृदा। तो ये कौन से राज्य में पाई जाती है, भारत की एक ही राज्य है जो केरला है, तो इसी में सिर्फ ये पाई जाती है, ये लेटराइट मृदा सिर्फ यही केरला में ही पाई जाती। कहाँ पाई जाती, केरला में पाई जाती। तो अब इसके कुल क्षेत्रफल किलोमीटर में देखते हैं, तो इसकी क्षेत्रफल 3.70 किलोमीटर क्षेत्रफल इसका एरिया है, कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 3.70 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ क्षेत्रफल में फैला हुआ ये लेटर में जो लेटर राइट मृदा। तो ये कहाँ है, केरला में है, कहाँ है ये केरला में। तो अब चलिए देखते हैं और मिट्टी, और क्या है, अब है माउंटेन मिट्टी यानी पर्वतीय लिख देता है मृदा। ओके दोस्तों पर्वतीय मृदा, चलिए मृदा, तो ये हो गया पर्वतीय मृदा। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो इसका कुछ हम कलर ले लेते हैं, चलिए हम कलर ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर मार्कर ले लिया एक, तो ये क्या है पर्वतीय मृदा यानी माउंटेन मृदा। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो एक है जम्मू कश्मीर, क्या है जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें कुछ आइकन जैसे मैं यहाँ पर कुछ संकेत दे देता हूँ इसका दर्शाते हैं, तो कैसा संकेत लू, चलिए अस्टार लेते हैं। ओके तो लीजिए ले लेते हैं अस्टार, चलिए तो दर्शा देता है यहाँ पर। चलिए दोस्तों इसमें दर्शा देते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये मैं कुछ हिस्सों में ही दे रहा हूँ, क्योंकि और होगा कि नहीं इसमें होगा देखेंगे वो बार में। तो ये जम्मू कश्मीर है, क्या है जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में क्या पाया जाता है पर्वतीय मृदा पाया जाता है, क्या पाया जाता है पर्वतीय मृदा। तो और जगह पाए जाते हैं जैसे देखिए क्या है ये हिमाचल प्रदेश, क्या है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में भी पाई जाती है, तो इसमें दर्शा देते हैं, देख लीजिए दर्शा देते हैं स्टार जैसा दर्शा देते हैं। ओके तो दिख रहा है आपको, चलिए ये स्टार जैसा दर्शा रहा हूं, तो मैं कुछ ही हिस्सों में दे रहा हूं क्योंकि और होगा कि नहीं देखेंगे। तो ये क्या है हिमाचल प्रदेश में, तो ये क्या पाई जाती है पर्वतीय मृदा पाई जाती है, माउंटेन मृदा पर्वतीय मृदा पाई जाती है, माउंटेन मृदा पाई जाती है। कहां कहां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, और कहां पाई जाती है, तो और देखते हैं, ये उत्तराखंड दिख रहा है आपको, ये उत्तराखंड, ये आपको ये वाला उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में पाई जाती है, दर्शा देते हैं। चलिए स्टार जैसा दर्शा रहा हूँ, ये मैं मार्कर से दर्शा रहा हूँ, चलिए तो ये दर्शा देते हैं। तो क्या है दोस्तों दर्शा दिए, चलिए तो कुछ ही समय देना और बाकी नहीं देखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया ये पर्वतीय मृदा, क्या हो गया पर्वतीय मृदा हो गया। और कुछ जगह में तो जैसे देखिए क्या है सिक्किम, तो सिक्किम में भी दर्शाना है हमको, चलिए सिक्किम में दर्शा देते हैं, चलिए दर्शा देते हैं। तो हो गया ये पूरे सिक्किम में क्या है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है पर्वतीय मृदा, क्योंकि जहां जहां भी पर्वत है वहां पर मैं बता रहा हूँ, जहां जहां पर्वत है वहीं पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है, माउंटेन सॉइल पाई जाती है, माउंटेन सॉइल। तो एक क्या था एक जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, कहाँ पाई जाती है ये पर्वतीय मृदा पाई जाती है। तो और एक जगह है, क्या है एक और जगह है, तो कौन सा वो जगह है देखते हैं,
ये एक और जगह इसमें तो है, अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में मैं दर्शा देता हूँ, तो देख लीजिए दर्शा रहे हैं, चलिए अरुणाचल प्रदेश में भी दर्शा देते हैं। तो ये कौन सा मिट्टी है? ये भी पर्वतीय मृदाई है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत पर्वत है। तो देख लीजिए जहां जहां पर्वत है वही वही क्या है, ये पर्वतीय मृदा है। और वकील देखेंगे नहीं तो पूरे में यही स्टार जैसा बना देंगे। तो क्या है ये, कौन सा मृदा था? ये था पर्वतीय मृदा, ये था पर्वतीय मृदा। ओके दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर बताया कौन कौन से था, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो इतने हिस्से में क्या था, ये पर्वतीय मृदा था, माउंटेन मृदा। तो इसकी इसकी कुल क्षेत्रफल कितनी है दोस्तों, इसकी कुल क्षेत्रफल कितने में आती है? तो इसकी कुल क्षेत्रफल आती है 5.50 किलोमीटर, 5.50 किलोमीटर क्षेत्रफल इसकी फैली हुई है पर्वतीय मृदा के। ओके दोस्तों, तो 5.50 क्या है, 5.50 किलोमीटर ये पर्वतीय मृदा फैली हुई है, पर्वतीय मृदा फैली हुई। तो अब चलिए देखते हैं अगला क्या है, अगला देखते हैं। तो देखिए अगला इसमें क्या है, अगला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, चलिए देखते हैं अगला है मरुस्थलीय मिट्टी। तो अगला क्या है, मरुस्थलीय मिट्टी। तो लिखता हूँ इधर, मैं देख लीजिए मैं इधर ही लिख देता हूँ, इधर लिखता हूँ मरुस्थलीय मृदा, स्थलीय मृदा। ओके दोस्तों, स्थलीय मृदा तो कहाँ पर है, ये देखिए ये हो गया मरुस्थलीय मृदा यानी डिजर्ट सॉइल, यानी डिजर्ट सॉइल। मरुस्थलीय मृदा यानी क्या होता है, डिजर्ट सॉइल होता है। तो ये कहाँ कहाँ है, तो इसका कुछ कलर लेते हैं, चलिए ले लेते हैं मैं ये मैं ब्लू मार्कर ले रहा हूँ, तो इसी से मरुस्थलीय मिट्टी का पता करेंगे। तो कहाँ पर है, एक है राजस्थान में, राजस्थान में। तो इसका कुछ हम इसका दर्शाते हैं, तो कैसा दर्शा रहे हैं दोस्तों, ये दिख रहा है आपको, ये एक लाइन लाइन जैसा दर्शा रहे हैं। ओके, तो ये लाइन लाइन जैसा दर्शा लेते हैं, चलिए ये कुछ हिस्सों में मैं ऐसे करके दर्शा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि ये क्या है, यही है मरुस्थलीय मिट्टी। तो ये मैंने कुछ हिस्सों में दर्शाया, और होगा कि नहीं, राजस्थान एक हो गया, राजस्थान यानी मरुस्थलीय मिट्टी पाया जाता है एक राजस्थान में, और अब कहाँ पाया जाता है, पंजाब में पाया जाता है। तो पंजाब ये रहा, पंजाब में भी दर्शाना है तो पंजाब में भी दर्शा देंगे। ये देखिए ये ऐसे ऐसे हम चिन्ह दे रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए, ये पर्पल मार्कर से दे रहा हूं तो समझ में आ जाएगा दोस्तों, ये दिख रहा है। चलिए तो ये क्या हुआ, यही हुआ मरुस्थलीय मृदा। अब एक जगह और है, कुछ जगह तो देखिए क्या है, हरियाणा। तो हरियाणा ये हो गया, पंजाब के बगल में हरियाणा, तो यहीं पर और मृदा है, तो दर्शाते हैं, ये दिख रहा है, चलिए यहाँ पर दर्शा लेते हैं। तो देखिए दर्शा लेते हैं, चलिए ओके दोस्तों, तो ये देखिए दर्शा रहे हैं, चलिए। तो इतना कुछ हिस्सों में मैं लगा दिया, ये क्या हो गया हरियाणा, ये मरुस्थलीय मिट्टी हरियाणा में भी पाई जाती है। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, ये मैंने बताया डिजर्ट सॉइल मरुस्थलीय मिट्टी। तो मैंने यहाँ पर आपको, यहाँ पर मैंने जितने भी सारे थे मरुस्थलीय मृदा में, जितने भी सारे जहां जहां है ये मरुस्थलीय मृदा, वहां वहां मैंने बता दिया। तो कहाँ कहाँ थे, पंजाब में थे, हरियाणा में, राजस्थान में। तो ये तीन जगह, ये तीन राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे याद कर लीजिएगा। और इसकी कुल इसकी क्षेत्रफल कितनी में फैली हुई है, तो देख लीजिए मैं यही इसके बगल में लिखता हूँ, इसकी कुल क्षेत्रफल 4.00। तो ये इतनी इतने में किलोमीटर में, 4 किलोमीटर में फैली हुई, तो ये मैंने यहाँ पर बता दिया हूँ आपको। ओके, तो चलिए ये था मरुस्थलीय मृदा। ओके दोस्तों, ये था मरुस्थलीय मृदा। अब देखते हैं अगला मृदा, तो अगला मृदा क्या है, चलिए देखते हैं अगला है क्या है, अगला है पीट एंड। ओके दोस्तों, पीट एंड मार्स मार्शी। ओके दोस्तों, मार्सी
सॉइल, P10 मार्सी सॉइल। तो ये P10 मार्सी सॉइल है, क्या है? P10 मार्सी सॉइल। तो ये कहाँ कहाँ फैली हुई P10 मार्सी सॉइल, कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य में P10 मार्सी सॉइल फैली हुई, तो ये कहाँ कहाँ फैली हुई। मैं इसका कुछ कलर लेता हूँ, समझ में आए। तो ये मैं ये मार्कर ले रहा हूँ ऑरेंज कलर का। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है P10 मार्सी सॉइल, तो ये पाई जाती है। एक है केरला, तो केरला में मैं ऐसा दे रहा हूँ आइटम, तो आपको समझ में है कैसा आइटम दे रहा है। तो ये दे रहा बॉक्स का आइटम, ये मैं ऑरेंज कलर से लिया और देख रहा है आपको, ये देखिए। चलिए, तो ये कहाँ है, ये पाई जाती है इसमें, इसमें भी पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है, केरला में भी पाई जाती है। ओके दोस्तों, ये आपको दिख रही है, चलिए दिख रही है ना, ओके। तो देख लीजिए, चलिए ये क्या हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, पिट्टी एंड मार्सी सोयल। तो ये केरला में भी पाई जाती है, देख लीजिए, केरला में भी पाई जाती है, मैं बता रहा हूँ, ये केरला में भी पाई जाती है। एक और जगह है, क्या है, P10 मार्सी एक और जगह पाई जाती है सोयल। तो वो कहाँ पाई जाती है, क्या कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में पाई जाती है। तो इसमें भी बॉक्स का संकेत देंगे, आइकन देंगे, ये दिख रहा है आपको। चलिए, तो ये हो गया, क्या ये हो गया, ये भी हो गया दोस्तों, ये हो गया P10 मार्सी सॉइल, P10 मार्सी सॉइल। तो ये मैं बता रहा हूँ, चलिए तो यहाँ पर ये बता लेता हूँ। चलिए दोस्तों, तो ये कर दिया मैंने, यहाँ पर निशान दे दिया, चिन्ह दे दिए। ये उत्तराखंड और केरला में पाई जाती है ये P10 मार्सी सॉइल। तो ये दो एक ऐसे राज्य है जिसमें सिर्फ P10 मार्सी सॉइल पाई जाते हैं, और P10 मार्सी सॉइल और इसमें और भी पाई जाती है, उत्तराखंड में एक और भी पाई जाती है मिट्टी, और केरला में भी एक और मिट्टी पाई जाती है, दो मिट्टी पाई जाती है। ओके दोस्तों, तो ये बता दिया आपको यहाँ पर। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो अब क्या है, अब अगला मृदा देखते हैं। तो अगला मृदा क्या हो जाएगा, मैं मार्कर ले लेता हूँ। अगला मृदा है, मैं कहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सैलिन, क्या लिखता हूँ, सैलिन। चलिए, तो ये हो गया सैलिन, क्या हो गया, सैलिन मिर्द, क्या, सैलिन एंड एल्काइन, एल्काइन सॉइल। ओके दोस्तों, एल्काइन सॉइल, चलिए ये हो गया सैलिन एंड एल्काइन सॉइल, सैलिन एंड एल्काइन, एल्काइन के ए आई एन, चलिए एल्काइन सॉइल, सैलिन एंड एल्काइन सॉइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सॉइल है, ये आखिरी सॉइल है, ये आखिरी सॉइल है। ओके दोस्तों, सैलिन एंड एल्काइन सॉइल। तो ये कहाँ पाया जाता है, लवणीय एवं सैलिन एंड एल्काइन, लवणीय एवं क्षत्रिय मिट्टी है ये इसका हिंदी होता है, लवणीय एवं क्षत्रिय मिट्टी है ये। तो ये कहाँ पाई जाती है, इसकी मैं कुछ मैं यहाँ पर मार्कर लेता हूँ एक, चलिए ले लेते हैं, तो मैं ले लेता हूँ पहले मार्कर। ओके दोस्तों, तो मैंने ये मार्कर लिया है, तो देखिए इसी से हम पता करेंगे। तो ये मैं कलर ब्राउन कलर का ले लेता हूँ मार्कर। तो क्या है, सैलिन एंड एल्काइन सॉइल, तो यही हम देखेंगे। तो लवणीय एवं क्षत्रिय सॉइल, तो ये कहाँ कहाँ है, तो एक है पंजाब, तो पंजाब कहाँ पर है ये दिख रहा है। तो इसमें मैं संकेत देता हूँ कैसा इसका संकेत रहेगा, तो इसका संकेत रहेगा ऐसा, कैसा रहेगा, बॉक्स इसका रहेगा संकेत, ये बॉक्स जैसा रहेगा। ओके, बॉक्स जैसा, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, चलिए इसका संकेत दे रहा हूँ। ओके, ये दिख रहा है आपको, ये ऐसा संकेत करेगा, ये ऐसा ऐसा संकेत का, देख लीजिए इसका संकेत क्या है, इसका संकेत है ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे। ओके दोस्तों, तो ये है सेलिन एंड एल्काइन सॉइल, क्या है, एक कहाँ है पंजाब में है और दूसरा कहाँ है हरियाणा, तो हरियाणा ये रहा, तो इसमें भी दर्शा देते हैं, ये दिख रहा है दोस्तों। तो ये यहाँ पर भी है, तो ये चलिए लगा देता हूँ, तो दिख रहा है, चलिए तो ये मैंने यहाँ पर भी बना दिए, कहाँ पर बना दिए, हरियाणा में भी बना दिए, सैलिन एल्काइन सॉइल हरियाणा में भी पाई जाती है, और जगह है तो कहाँ पाई जाती है, दो और राज्य हैं, तो कौन कौन से राज्य हैं, एक है क्या है, एक है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश ये रहा, यूपी, यूपी है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऐसे आइकन दे रहा हूं, तो चलिए दे देते हैं, ये दिख रहा है आपको, ये तो
तो ये दे देते हैं। तो इसमें सिर्फ क्या पाई जाती है, यही मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? तो ये कौन सी मिट्टी है? सैलिन एंड एल्काइन सॉइल। तो ये है एक उत्तर प्रदेश। क्या है? ये है उत्तर प्रदेश। तो उसमें भी ऐसे मैं आइकन दे देता हूँ क्योंकि आपको समझ में अभी आए, दिखाई भी दे। चलिए तो ये आप भी कर लीजिए अपने नोटबुक में। ओके दोस्तों, तो चलिए ये क्या हो गया? ये हो गया सैलिन एंड एल्काइन सॉइल। कहाँ कहाँ पाई जाती? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। एक और जगह है, वो कौन सा है? वो है महाराष्ट्र। एक और राज्य, वो है महाराष्ट्र। ये दिख रहा है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भी, और ये कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सैलिन एंड एल्काइन मिट्टी। तो इसमें भी ऐसा ही बॉक्स जैसा दर्शाते हैं, तो चलिए दर्शा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो ये दिख रहा है आपको, ये चलिए दर्शा देते हैं। तो ये क्या है? ये भी हो गया, क्या हो गया? ये हो गया एल्काइन, क्या? सैलिन एंड एल्काइन सॉइल। तो ये मैंने आज आपको आठ सॉइल बताए, आठ सॉइल बताए जो बहुत ही महत्वपूर्ण सॉइल है। वो कहाँ पर आती? भारत की मृदा में। आठ ही बहुत ऐसे मृदा मिले हैं भारत में जो बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। तो मैंने आज आपको आठों मिट्टी बता दी। और देखिए दोस्तों, देखिए क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर दर्शा दिए हैं। क्या मैंने यहाँ पर दर्शा दिए हैं? सारे मैंने यहाँ पर दर्शा दिए हैं नदी। यहाँ पर मैंने दर्शा दिए हैं मिट्टियां, सारे आठ मिट्टियां दर्शाए। देख लीजिए, मैंने आठों मिट्टियां दर्शा दी है। तो इसमें क्या है, इसमें ये जो एक मेन चीज था वो मैं बताना भूल गया था, वो जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है। क्या? जलोढ़ मिट्टी से। तो जलोढ़ मिट्टी, देखिए जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी मैं बताता हूँ। जलोढ़ मिट्टी एक यही एक ऐसा मिट्टी है जो नदियों के तट पर मिलता है। तो कौन से नदी है? गुजरात में है, कटिंग से निशान दिया हुआ है गुजरात। तो गुजरात में ये नदी आई है, ऐसे करके देखिए, यहाँ से ये ऐसे करके नदी जाके कहाँ पर गई है दोस्तों? ये नदी दिख रही है आपको, ये नदी ऐसे करके जाके कहाँ पर गई है? ये ऐसे करके होते हुए जाके ये दिख रहा है आपको, इधर जाके कहाँ जाके गई है? तो इधर आ गई है मध्य प्रदेश में। ओके दोस्तों, कहाँ आई है? मध्य प्रदेश में ये नदी है। तो ये नदी देख लीजिए, ये कहाँ से? गुजरात से होते हुए ये मध्य प्रदेश में जा गई है। तो ये मध्य प्रदेश में जा गई है, तो इसका नाम क्या है? हाँ दोस्तों, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम बता देता हूँ, इसका नाम हो जाएगा नर्मदा। क्या हो जाएगा? तो इधर लिखता, यहाँ पर लिख रहा नर्मदा, देख लीजिए नर्मदा है। तो बता दू, मेरे भारत की नदियां भी बताई, विश्व की नदियां बताई है, और बिहार की भी नदियां बताई। तो वह वीडियो आप नहीं देखे तो जरूर से जरूर देखिए, और उसको सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए, देख लीजिए जाके। तो ये नदी बताया। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी ही एक ऐसी मिट्टी है जो किसके तट पर? नदियों के तट पर है। तो ये जलोढ़ मिट्टी गुजरात में, मध्य प्रदेश में भी है। तो ये नदी नर्मदा गई है, तो इनके दोनों साइड जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, प्राप्त होती है। दोनों दोनों साइड प्राप्त होती है हमें, क्या? जलोढ़ मिट्टी प्राप्त होती है। और क्या है? और एक इधर से, यहां से एक नदी गई है, देख लीजिए ये क्या है, ये महाराष्ट्र। तो यहीं से नदी आई है वाला, इधर जाके इधर तो अरब सागर में जा गिरी है। मैं सॉरी, इधर बंगाल की खाड़ी में जा गिरी है। तो ये नदी दिख रही है आपको। ओके दोस्तों, तो ये देखिए, चलिए तो यही नदी है। तो अब क्या है? तो ये नदी यहाँ पर कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में दिख रही है। चलिए तो ये नदी महाराष्ट्र में, तो यहीं पर महाराष्ट्र के दोनों, महाराष्ट्र में यही जलोढ़ी मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जो छोर पर है नदियों के छोर पर। तो ये नदी कौन सी है? ये नदी है गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। ओके दोस्तों, गोदावरी नदी है। तो मैं बता रहा हूँ कि मेरी भारत की, विश्व की और बिहार की नदी है वो देखिए। देखिए क्या है इसमें, भारत। तो ये क्या है? यह है नदी। तो ये नदी, इसके दोनों साइड में जलोढ़ मिट्टी प्राप्त होती है हमें। जलोढ़ मिट्टी प्राप्त होती है, क्या होती है? प्राप्त, जलोढ़ मिट्टी प्राप्त होती है दोनों साइड में गोदावरी नदी के। तो यही एक ऐसी मिट्टी है जिस जो नदियों के छोर पर मिलती है। तो ये मैं बताया आपको, जलोढ़ मिट्टी। ये मैंने आपको आठों
आठ जो मैं कहा था वो आठों मैंने यहाँ पर नदियां बता दी। ओके दोस्तों, मैंने आठ नदी यहाँ पर बता दी। कौन कौन बताई? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, सैलिन एंड अल्काइन मिट्टी और पेटी एंड मार्सी मिट्टी। तो मैंने यहाँ पर आठ मिट्टी बताए। ओके दोस्तों, तो या क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसी वीडियो और चाहिए नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आपका आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो वह चीज हम जरूर से जरूर आपका पूरा ख्वाहिश पूरा करेंगे। ओके दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले लीजिए।